नेशनल फेडरेशन के हमारे सभी सम्माननीय सदस्यगण, आज हमारे संगठन के भूतपूर्व ऑल इंडिया रेजिडेंट सेक्रेटरी, स्थानीय सचिव दिल्ली श्री राजेश कुमार गुप्ता जी, भारतीय जीवन बीमा निगम से 38 वर्षों की सेवा के उपरांत स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण वॉलंटरी रिटायरमेंट के अंतर्गत अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। कॉमरेड राजेश कुमार गुप्ता जी भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर 26 दिसंबर 2088 को प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। 38 वर्षों के सेवा काल में विकास अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किया। वह एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में भी कार्य किए। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के चलते वह निगम से अपने अवकाश ग्रहण के 2 वर्ष पूर्व ही निगम से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। स्वैच्छिक वॉलंटरी रिटायरमेंट के अंतर्गत कॉमरेड राजेश गुप्ता जी ने 38 वर्षों के सेवा काल में विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए उन्होंने संगठन को अपनी अप्रतिम सेवाओं से संगठन को मजबूत किया। वह हमारे संगठन में दिल्ली डिवीजन 2 के अंतर्गत मंडली पदाधिकारी के रूप में काम किया और 2005 से लेकर 2014 तक, 2013 तक आदरणीय श्री राजेश कुमार गुप्ता जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में डिविजनल सेक्रेटरी दिल्ली डिवीजन 2 के दायित्व तो निर्वहन का कार्य किया। कॉमरेड राजेश कुमार गुप्ता जी के ने अपने डिविजनल सेक्रेटरी के कार्यकाल में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। दिल्ली डिवीजन 2 को क्षितिज की नई ऊंचाइयों पर स्थापित किया, सदस्यों को संगठन के प्रति निष्ठावान बनाया और दिल्ली डिवीजन 2 को संगठन स्तर पर एक मजबूत डिवीजन के रूप में इस्टेब्लिश किया। कॉमरेड राजेश कुमार गुप्ता जी जब डिविजनल सेक्रेटरी रहे तो आपके राजेश कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में, आपके डायनेमिक लीडरशिप में जो है 2007 में, 2007 में संगठन की गोल्डन जुबली समारोह बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुई और उसी के साथ 2007 में ही दिल्ली डिवीजन 2 ने आपके सक्षम नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया। दोनों बैठकें संगठन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। कॉमरेड राजेश कुमार गुप्ता जी संगठन में 10 वर्षों तक ऑल इंडिया रेजिडेंट सेक्रेटरी दिल्ली के रूप में कार्य किया और यह भी बहुत ही प्रासंगिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2014 में जब मैं इस संगठन का सेक्रेटरी जनरल बना तो उस समय मेरे साथ राजेश गुप्ता जी भी हमारे इस महान संगठन के ऑल इंडिया रेजिडेंट सेक्रेटरी दिल्ली निर्वाचित हुए। उन्होंने मेरे साथ 10 वर्षों तक कार्य किया। इस 10 वर्षों के कार्यकाल में राजेश कुमार गुप्ता जी का भारत सरकार के साथ एवं
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ सामंजस्य बहुत ही अद्वितीय रहा और इसी के कारण एवं टीम NFIWI के ज्वाइंट एफर्ट से 2016 में स्पेशल रूल का सफलतापूर्वक मॉडिफिकेशन भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन के रूप में अधिसूचित हुआ। 800 से ज्यादा 800 से ज्यादा विकास अधिकारियों को जिनको टर्मिनेशन की नोटिस मिल गई थी या जो भविष्य में 6 महीने के अंदर टर्मिनेट होने वाले थे उनको इसका सीधा लाभ मिला। हमारे 4,000 से 4,000 से अधिक सदस्य जिनको डिसइंसेंटिव की नोटिस मिल चुकी थी इस ऐतिहासिक 2016 के मॉडिफिकेशन से 4,000 विकास अधिकारियों को सीधे इसका लाभ मिला और आज भी 2016 के रूप में विकास अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है जो संगठन की एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। डीएफएस नई दिल्ली में जो भी हमारे संपर्क से संबंधित मुद्दे रहे उसको कॉमरेड राजेश कुमार गुप्ता जी ने अपने बहुत ही अच्छे लाइजन से हर मुद्दे पर संगठन को सफलता दिलाई। भारत सरकार में जितनी भी बैठकें हुई उस समय के वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के साथ, वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के साथ, वित्त राज्य मंत्री श्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी के साथ, वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के साथ, हमारे परिवार के सदस्य सम्माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जी के साथ, हमारे परिवार के सदस्य श्री प्रहलाद जोशी जी के साथ, केंद्रीय मंत्री के साथ, आपने अपने पूरे कार्यकाल में आपका जो इन महानुभावों के साथ लाइजन था उसी का परिणाम हुआ कि आज नेशनल फेडरेशन अपने सदस्यों को बहुत से सर्कुलर्स भारत सरकार द्वारा अधिसूचित करा पाई। कॉमरेड राजेश कुमार गुप्ता जी के सफल नेतृत्व में नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक हुई अक्टूबर 2022 में, जो बैठक संगठन के लिए और भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस नॉर्थ ब्लॉक की बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी, उस समय के हमारे सम्माननीय चेयरपर्सन आदरणीय श्री MR कुमार जी, हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी IAS श्री मीना जी और संगठन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री M विनय बाबू जी और सेक्रेटरी जनरल श्री विवेक सिंह जी की उपस्थिति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय वार्ता में कॉमरेड राजेश कुमार गुप्ता का सामंजस्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है। 2022 का ऐतिहासिक वेज रिवीजन एवं इस वर्ष का भी अप्रैल 2024 में वेज रिवीजन नोटिफाई कराने में आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। आपने अपनी हर भूमिका में अपनी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता तथा बेहतरीन दायित्व निर्वहन करते हुए आपने राजेश कुमार गुप्ता जी ने एक उच्च मानक स्थापित किया है। आपकी कमी संगठन में निश्चित रूप से एक रिक्तता का अभाव पैदा करेगी। संगठन को सशक्त बनाने में आपके द्वारा दिया गया योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी उपलब्धियां और योगदान महत्वपूर्ण रहे हैं और आपने संगठन में एक अस्थायी विरासत को छोड़ी है। नेशनल फेडरेशन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। आपके ये जीवन का यह नया चरण
स्वस्थ और रोमांच से भरा हो। आपको एक सुखद और संतोष पूर्ण सेवानिवृत्ति की हम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज आपकी सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर हम आपके हर योगदान, हर कृतित्व को कृतज्ञ भाव से अनुज्ञापित करते हुए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन की यह दूसरी पारी स्वस्थ, सौख्य, समृद्धि से परिपूर्ण एवं सुदृढ़ रहे। हमें पूर्ण विश्वास है कि अवकाश ग्रहण के पश्चात भी आप हमारी सिस्टर ट्रेड यूनियन NFRDO रिटायर्ड विकास अधिकारी यूनियन में अपना महत्वपूर्ण योगदान एवं सहयोग तथा रिटायर्ड यूनियन की मजबूती के लिए अपना पूरा अनुभव देते रहेंगे। एक बार पुनः हम अपने सभी ऑल इंडिया पदाधिकारियों की तरफ से, स्वयं व्यक्तिगत रूप से मैं, सभी हमारे केंद्रीय सचिवालय के पदाधिकारियों की तरफ से, सदस्यों की तरफ से, सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यों की तरफ से और 23,000 विकास अधिकारियों की तरफ से आपको आपके अवकाश ग्रहण पर हम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आपको आपके मंगलमय जीवन की मंगलमय कामना करते हैं। कॉमरेड राजेश कुमार गुप्ता जिंदाबाद, नेशनल फेडरेशन जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।